आज बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि लोग अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से इनवाइट भी कर रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट का इनरोलमेंट भी करवा रहे हैं, लेकिन उनके प्रोस्पेक्ट मास्टर क्लास को अटेंड ही नहीं करते, या फिर अगर मास्टर क्लास को अटेंड कर लिया तो डे वन अटेंड नहीं करता, अगर डे वन अटेंड कर लिया तो डे टू अटेंड नहीं करता। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है ना, 100% आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि प्रोस्पेक्ट इनरोलमेंट करने के बाद भी मास्टर क्लास अटेंड नहीं करता, या फिर अगर मास्टर क्लास देखा तो डे वन या डे टू के लिए अगर आप फोन करो तो फोन ही नहीं उठाता, है ना। ऐसा होता है, 100% होता है। और इस प्रॉब्लम का जड़ पता है कौन है? इस प्रॉब्लम का जड़ हम खुद हैं और कोई भी नहीं है, प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, याद रखना। इस प्रॉब्लम का जड़ सिर्फ और सिर्फ हम हैं, हमारे अंदर कमी है। और ये कमी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग अपने सेशन की और सेशन लेने वाले स्पीकर की सही ढंग से हाइप नहीं बनाते हो, या फिर आप लोग हाइप बनाते ही नहीं हो। यही दो रीज़न है जिसकी वजह से आपका प्रोस्पेक्ट आपके सारे सेशन को अटेंड नहीं करता है। वो सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी देता है, अपने काम की वैल्यू करता है, ना ही हमारे सेशन की। और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग उसके सामने ना ही सेशन की हाइप बनाते हो और ना ही स्पीकर की हाइप बनाते हो, ठीक है। जिसके वजह से आपका प्रोस्पेक्ट आपके सेशन को अटेंड नहीं करता, वो अपने काम को ज़्यादा वैल्यू देता है, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। और देखो इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि सेशन की हाइप कैसे बनाते हैं और स्पीकर की हाइप कैसे बनाते हैं। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सेशन की और सेशन लेने वाले स्पीकर की आप हाइप कैसे बना सकते हो। अगर मेरे बताए हुए तरीकों को अगर आपने इंप्लीमेंट किया ना, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट आपके सेशन को ज़रूर अटेंड करेंगे, आई एम 100% श्योर, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे कि सेशन की हाइप और स्पीकर की हाइप कैसे बनाते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग में ना हमें बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं, लगभग 14-15 स्किल्स हैं जिसके ऊपर हमें मास्टरी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं, तो आई बटन में लिंक दे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लेना, ठीक है। उसमें आपको पता लगेगा कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो सारे स्किल्स में से ना एक स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, और वो स्किल्स है एडिफिकेशन का और हाइप क्रिएशन का। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आ गए हो ना, तो बिना एडिफिकेशन सीखे और बिना हाइप क्रिएशन सीखे आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ग्रो नहीं कर सकते। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में ना हमें बहुत सारी चीज़ों का ना एडिफिकेशन करना होता है और उसकी हाइप क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे अपलाइन का एडिफिकेशन करना होता है, प्रोस्पेक्ट की भी एडिफिकेशन करनी होती है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रोस्पेक्ट की भी एडिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आप वीडियो अपने प्रोस्पेक्ट को भेज रहे हो, उसकी भी एडिफिकेशन करनी होती है, उसकी भी हाइप क्रिएट करनी पड़ती है कि वो वीडियो क्यों देखे, समझ रहे हो। उसके बाद सेशन की हाइप कैसे क्रिएट करते हैं और स्पीकर की हाइप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग में एडिफिकेशन करनी होती है और हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे कि सेशन की हाइप कैसे बनाते हैं और स्पीकर की हाइप कैसे बनाते हैं, राइट। बट अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो कि अपलाइन की एडिफिकेशन कैसे करते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपने खुद की कॉल रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है कि मैं अपने अपलाइन की एडिफिकेशन कैसे करता हूं और अपने प्रोस्पेक्ट की एडिफिकेशन कैसे करता हूं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना, ठीक है। सो अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि सेशन की हाइप कैसे बनाते हैं और स्पीकर की हाइप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आगे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, और अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया तो फटाफट से डायरी पेन ले आओ वीडियो को पॉज करके, क्योंकि नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे, नहीं तो फिर वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार नोट्स कर लोगे तो हमेशा के लिए आपके डायरी में रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सेशन का हाइप बनाना है और किस तरीके से स्पीकर का हाइप बनाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर क्लास सेशन का हाइप कैसे बनाना है और मास्टर क्लास सेशन लेने वाले स्पीकर का हाइप कैसे बनाना होता है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आप किसी भी स्पीकर की हाइप आप तभी बना पाओगे जब आपको स्पीकर के बारे में पता होगा कि उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, आज उनकी इनकम क्या है, क्या उनकी अचीवमेंट है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, तब तक आप किसी भी स्पीकर का हाइप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्पीकर के बारे में पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने सीनियर पूछ लेना, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि मास्टर क्लास सेशन का हाइप कैसे बनाते हैं और मास्टर क्लास लेने वाले स्पीकर का हाइप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप अपने डायरी में नोट करते जाना, ठीक है। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेशन आज आप अटेंड करने वाले हो, उस सेशन को अटेंड करके आज हजारों स्टूडेंट पैसा कमा रहे हैं अपनी स्टडी के साथ साथ। अब यहाँ पे देखो, मैंने स्टूडेंट बोला है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट जॉब पर्सन है तो आपको जॉब पर्सन बोलना है कि आज
इस सेशन को अटेंड करके हजारों जॉब पर्सन अपने जॉब के साथ पैसा कमा रहे हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है आपका प्रोस्पेक्ट तो आपको क्या बोलना है, आज हजारों हाउसवाइफ अपने घर के कामों के साथ साथ आज यहाँ पे पैसा कमा रही है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोलना है? उसके बाद बोलना है कि आज आप जिनका सेशन अटेंड करने वाले हो वो बाय प्रोफेशन तो स्टूडेंट थे। अगर स्पीकर स्टूडेंट था तो स्टूडेंट बोलना है, अगर वो जॉब पर्सन था तो जॉब पर्सन बोलना है, ठीक है? तो आपको बोलना है कि आज आप जिनका सेशन अटेंड करने वाले हो वो बाय प्रोफेशन तो स्टूडेंट थे, बट आज वो इसी प्लेटफॉर्म पे काम करके और मेहनत करके आज वो सेल्फ मेड मिलीनियर बन चुके हैं, महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं और आज उनकी हेल्प से आज हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? और हजारों लोगों के लिए आज वो इंस्पिरेशन भी हैं, ठीक है? इतना बोलने के बाद अब आपको क्या करना है, सामने वाले को ना एक फियर ऑफ लॉस देना है कि अगर वो सेशन अटेंड नहीं करेगा तो उसका क्या लॉस है, ठीक है? अगर आप देखो फियर ऑफ लॉस नहीं दोगे ना तो वो कभी भी आपका सेशन अटेंड नहीं करेगा। तो फियर ऑफ लॉस कैसे देना है ध्यान से सुनो, उसको बोलना है तो आज का सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने आज का सेशन मिस कर दिया तो आपका नाम आज ही हमारे सिस्टम से काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसके बाद आपको कभी भी दोबारा लिंक नहीं मिलेगा इस सेशन का और ना ही आपको कोई रिकॉर्डिंग लिंक प्रोवाइड होगी, ठीक है? आप ये तीन चीजें बोल देना, इससे क्या होगा सामने वाले को एक फियर ऑफ लॉस मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा सामने वाला पर्सन सेशन अटेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने उसको फियर ऑफ लॉस दे दिया कि आपका नाम कट जाएगा, आपको दोबारा लिंक नहीं मिलेगा या फिर आपको रिकॉर्डिंग लिंक भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये लाइन आपको जरूर बोलना है, इससे क्या होगा सामने वाला पक्का अटेंड करेगा आपका सेशन, ठीक है? और इतना बोलने के बाद मतलब फियर ऑफ लॉस दिखाने के बाद आपको लास्ट में एक चीज बोलनी है कि ब्रदर आपसे मेरा पर्सनली एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है तो 7 बजे से पहले आप कंप्लीट कर लेना या फिर 8 बजे के बाद करना, इस बीच में कोई भी आप अपना इंपॉर्टेंट काम मत रखना ताकि आप अच्छे से सेशन को अटेंड कर सको, ठीक है? और फिर बोल देना कि मैं आपको शाम में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आपको एक बार रिमाइंडर कॉल भी कर दूंगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको मास्टर क्लास सेशन का हाइप और मास्टर क्लास सेशन लेने वाले स्पीकर का हाइप बनाना है। अगर आप इस तरीके से अगर आप हाइप बनाओगे ना तो क्या लगता है प्रोस्पेक्ट सेशन अटेंड नहीं करेगा? 100% सेशन अटेंड करेगा। आप करके तो देखो, 100% आपको रिजल्ट आएगा और प्रोस्पेक्ट सेशन को भी अटेंड करेगा, ठीक है? अभी आपके माइंड में एक चीज और चल रही होगी कि सर आपने ये तो बताया कि हाइप क्रिएट करनी है, बट ये हाइप हम क्रिएट करें किस टाइम पे? तो जिस दिन मास्टर क्लास होगा उसी दिन आपको क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है और आपको हाइप क्रिएट करनी है मास्टर क्लास से पहले। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? सो अब मैं आपको बताता हूँ कि डे वन सेशन का और डे वन सेशन लेने वाले स्पीकर का हाइप आपको कैसे बनाना है, ठीक है? बट उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये हाइप के लिए आपको कॉल कब करना है, ठीक है? हाइप बनाने के लिए आपको कॉल कब करना है, तो जिस दिन डे वन क्लास होगा तो डे वन क्लास से पहले किसी भी टाइम पे आपको सामने वाले को कॉल करना है, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है और पहले आपको नॉर्मल रिलेशन बिल्ड करना है और थोड़ा बहुत मास्टर क्लास के बारे में बात करना है कि आपको क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डे वन सेशन के लिए हाइप बनाना है, ठीक है? अभी हाइप कैसे बनाना है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझना, ठीक है? आपको बोलना है कि ब्रदर देखो कल का सेशन तो आपने काफी अच्छे तरीके से अटेंड किया और आपको काफी कुछ समझ आया, बट आज का जो सेशन है ना डे वन, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में आपको हमारी कंपनी के बारे में पता लगने वाला है और आज हमारी कंपनी के अंदर में लाखों लोग किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं ये भी पता लगने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कैसे पैसा आएगा आज के सेशन में आपको पता लगने वाला है, ठीक है? और आज जो पर्सनालिटी हमारे सेशन को लेने वाले हैं उनका नाम ये है, तो जो भी आपके स्पीकर का नाम होगा उनका नाम लेना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि उनका प्रोफेशन क्या था, वो पहले स्टूडेंट थे या जॉब पर्सन थे वो बताना है। फिर आपको बतानी है कि आज वो एक सेल्फ मेड मिलीनियर बन चुके हैं, ठीक है? आज वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनकी इनकम बताओ, उनकी अचीवमेंट बताओ, ठीक है? और साथ ही साथ ये भी बताओ कि आज वो इतने सारे लोगों की हेल्प भी कर चुके हैं पैसे कमाने में। समझ रहे हो? स्पीकर के बारे में इतना बताने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, फियर ऑफ लॉस देना है कि अगर वो आज का सेशन अटेंड नहीं करता है तो उसका क्या नुकसान होगा। अब आपको ये फियर ऑफ लॉस कैसे देना है तो ध्यान से समझो, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि ब्रदर देखो अगर आपने आज का सेशन मिस कर दिया ना, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि आज हमारी कंपनी में लाखों लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पैसा कैसे आएगा ये भी पता नहीं लग पाएगा, ठीक है? और दूसरा नुकसान ये होगा कि आपने कल का सेशन देखा अच्छे से और अगर आपने आज का सेशन नहीं देखा ना तो कल का सेशन अटेंड किया हुआ भी बेकार हो जाएगा। और तीसरा नुकसान ये होगा आपका कि आपको आज के सेशन का लिंक आपको दोबारा नहीं मिलेगा और ना ही आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, तो इसीलिए आप आज का सेशन मिस मत करना गलती से भी, ठीक है? तो आपको इस तरीके से क्या करना, फियर ऑफ लॉस दे देना है। इससे सामने वाले को पता है क्या लगेगा, यार अगर हमने अटेंड नहीं किया ना तो दोबारा भी हमें लिंक नहीं मिलेगा, नहीं रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो इस चक्कर में वो अटेंड करेगा ही करेगा,
ठीक है, अगर इतना बोलने के बाद भी अगर वो अटेंड नहीं करता ना, तो समझना वो प्रोस्पेक्ट ही बेकार है, वो हमारे काम के लायक नहीं है, क्योंकि इतना बोलने के बाद हर एक प्रोस्पेक्ट सेशन को जरूर अटेंड करेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको एक और बात बोल देनी है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो 7 बजे से पहले खत्म कर लेना या फिर 8 बजे के बाद करना, बीच में कोई इंपॉर्टेंट काम मत रखना ताकि आप अच्छे से सेशन को अटेंड कर पाओ। ठीक है, और फिर आप एक चीज और बोल देना कि मैं आपको इवनिंग में लिंक भेज के आपको रिमाइंडर कॉल भी दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, डे 1 सेशन का और डे 1 सेशन लेने वाले स्पीकर का हाइप बनाना है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या लगता है, अगर आप इस तरीके से सेशन की हाइप और स्पीकर की हाइप बनाओगे तो क्या लगता है प्रोस्पेक्ट सेशन अटेंड नहीं करेगा? हो ही नहीं सकता प्रोस्पेक्ट सेशन अटेंड ना करे, 100% करेगा। अगर इतना बोलने के बाद भी अगर कोई प्रोस्पेक्ट सेशन अटेंड नहीं कर रहा है तो समझ लो वो प्रोस्पेक्ट सीरियस नहीं है। ठीक है, वो हमारे बिजनेस के लायक है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ना हर एक प्रोस्पेक्ट सेशन अटेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि डे 2 सेशन का और डे 2 सेशन लेने वाले स्पीकर का हाइप कैसे बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो आपको बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट को कि ब्रदर देखो, आपने 2 दिन का ट्रेनिंग तो आपने अटेंड कर लिया और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी समझ लिया, इसके लिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अप्रिसिएट करता हूँ। ठीक है, बट आज का सेशन आपके लिए लास्ट सेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का सेशन जो पर्सनालिटी लेने वाले हैं उनका नाम ये है और वो पहले बाय प्रोफेशन ये थे, स्टूडेंट थे या जॉब पर्सन थे, बट आज वो इस प्लेटफॉर्म पर काम करके मेहनत करके आज वो महीने के लाखों रुपये कमा रहे हैं, सेल्फ मेड मिलीनियर बन चुके हैं और वो हज़ारों लोगों का काम शुरू करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने आज का सेशन मिस कर दिया ना तो सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आपका काम शुरू नहीं हो पाएगा, दूसरा नुकसान ये होगा कि आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा बिजनेस को शुरू करने के लिए जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और तीसरा नुकसान ये होगा कि आपने जो 2 दिन ट्रेनिंग के ऊपर जो टाइम लगाया था आपने, वो ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ भी बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि आपका काम ही शुरू नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अगर ये 2 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड किया था तो काम शुरू करने के लिए किया था, अगर आप आज का सेशन अटेंड ही नहीं करोगे तो आपका काम कैसे शुरू होगा, वो 2 दिन का ट्रेनिंग लिया हुआ बेकार हो जाएगा। ठीक है, और चौथा नुकसान ये होगा कि ब्रदर देखो, आपको दोबारा लिंक नहीं मिलेगा इस सेशन का और ना ही आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी और आपका नाम हमारे सिस्टम से हमेशा के लिए हट जाएगा, फिर आप दोबारा इस सेशन को कभी अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, अपने डे 2 सेशन का हाइप बनाना है। देखो, डे 2 सेशन ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होता है किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए, क्योंकि जब तक वो डे 2 सेशन अटेंड नहीं करेगा तब तक वो बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकता, इसीलिए आपको डे 2 सेशन का हाइप और डे 2 सेशन लेने वाले स्पीकर का हाइप बहुत ही तगड़े तरीके से बनाना है। ठीक है, सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अब आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि किसी भी सेशन का और सेशन लेने वाले स्पीकर का हाइप कैसे बनाते हैं, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में, ताकि वो लोग भी सीख सके कि सेशन और स्पीकर की हाइप कैसे बनाते हैं, राइट? इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, राइट? सो गाइज, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।